फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। चलिए, तो फिर हमने लास्ट चैप्टर जो कर रहे थे हम, वो था कर रहे थे हम एलसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया था, एलसीएम और एलसीएम कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, अब जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं थोड़े, वो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन लिया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन लिया है। फाइंड एलसीएम ऑफ 5/12, 25/24, 125/48 एंड एलसीएफ नहीं लिखा था तो मैंने बाद में ऐड कर दिया, दोनों ही दिखाऊंगी मैं आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहले एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस क्वेश्चन में, तो वो देखते हैं। देखिए, फ्रैक्शन में अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शन दिया है तो किस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो देखिए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप, पर लेकिन एक ट्रिक है जिसको मैं बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, कि किस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए, याद रखने में दिक्कत होती है, कैसे करना है। अगर फ्रैक्शन में है आपके पास तो मैं पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए, अगर एलसीएम पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो आपको जो न्यूमरेटर है, ठीक है ना, तो मैंने लिखा है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 5, 25 और 125 का एलसीएम क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम में हाईएस्ट डिजिट को देखते हैं कि वो उसके मल्टीपल्स, बट यहाँ पर क्या है, 5 और 125 को काट देता है, मतलब उसके फैक्टर है वो, तो ठीक है ना, उसके मल्टीपल है। अब यहाँ पे कह सकते हो तो कितना एलसीएम होगा, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 125, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर सकता है और ये भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, ठीक है, इसका मल्टीपल है ये, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम हो गया वो हो गया 125, और एसएफ में मैंने क्या बताया था आपको, जो जिससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बोला था, जो लीस्ट होता है, मतलब छोटा होता है जो सबसे, है ना, हमने एलसीएम में बात की थी हाईएस्ट वाले की और एलसीएम में बात की थी लोएस्ट वाले की, तो यहाँ पर 12 है, तो 12 यहाँ पर 12 भी एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 12 24 को भी कट करता है और 48 को भी कट करता है, उसके पहाड़े में आता है, उसके टेबल में आता है। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 125/12। तो हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला है हमारा, मैंने बताया आपको कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एससीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, आपको कितना याद रखना, अगर आपसे एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले का क्या आएगा, न्यूमरेटर का क्या आएगा एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या आएगा एससीएफ, तो इतना ध्यान रखना है आपको। इसका रिवर्स आपका एससीएफ में है, ठीक है ना। अगर आपको एससीएफ फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपने यहां से एससीएफ देखा है, एससीएफ मतलब लोएस्ट, ठीक है ना, तो 525 को भी डिवाइड करता है, 125 को भी डिवाइड करता है, तो एससीएफ क्या हो गया हमारा, 5, ठीक है। जो भी आपसे पूछे तो आपको वो ही अप्लाई कर देना है न्यूमरेटर में, ठीक है ना। अगर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम करेंगे हम न्यूमरेटर का, और एससीएफ पूछे तो एससीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। ये थी, मैंने इजी से याद कर रखा है, ठीक है, इसी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं जिसको भी बताती हूँ तो मैं इसी तरीके से बताती हूँ कि अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, है ना, और एससीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एससीएफ, ठीक है। तो मैंने यहां से अब फर्स्ट का तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का तो हो गया 5, अब यहाँ पे देखना है आपको एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, 12, 24 और 48 है हमारे पास, तो हमने क्या किया था, 48 हाईएस्ट देखते हैं, तो हाईएस्ट हमें 48 है, बट लेकिन हमने नोटिस किया कि 12 से भी 48 डिवाइडेड होता है, 24 से भी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 48 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फाइनल आंसर देखते हैं हम, एलसीएम आपका 120/12 है, और आपका एससीएफ क्या है, 5/48, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में भी आ गया होगा, बस आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, आपको एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, और अगर एससीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एससीएफ, ठीक है। और आपके पास जो फॉर्मूला है ये और ये, आप ये दोनों भी ध्यान में रख सकते हो, जैसे भी आपके पसंद हो आप कर सकते हो, ठीक है।
तो प्लीज आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। तो देखते हैं, चलिए एक और फॉर्मूला कर लेते हैं हम अपना, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएल। देखिए इस क्वेश्चन पे वैसे ना कई क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, आपको दोनों नंबर गिवन हो सकते हैं, ठीक है, वो एचसीएम या एलसीएम में से आपसे कुछ पूछ सकता है, ठीक है ना, या फिर आपको एलसीएम एचसीएल गिवन होगा और सेकेंड नंबर होगा, मतलब इन तीनों में से आपको तीन चीजें गिवन होगी और एक पूछी होगी। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 20, 25, ठीक है, इफ दे आर एचसीएफ इज 15 देन फाइंड एलसीएम। मतलब तीन चीजें हमको गिवन है, हमको प्रोडक्ट गिवन है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर हमको गिवन है 20, 25, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 15 हमको एचसीएफ गिवन है और हमने क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है, बस आपको जो मेन फोकस है ना आपको इस फॉर्मूले पे रखना है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको इस फॉर्मूले में तीन चीजें गिवन होगी और एक चीज फाइंड आउट करनी होगी, बहुत इजी है आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होना। देखो एचसीएल एलसीएम का जो चैप्टर है बहुत ईजी है, पर लेकिन जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको नोट डाउन करनी है और ध्यान रखनी है, ठीक है, जैसे वो आपकी मर्जी आप कैसे करोगे, ठीक है। अब आप देखिए यहां से मैंने इसको कैंसिल आउट किया है 15 से, ठीक है ना, 5 से किया है पहले, तो 5 से कट आउट किया, फिर 3 आया तो 3 से कट आउट करके कितना आ गया, वही मेरा 135 आ गया, वो आप कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है, मैंने करके दिखा रखी है और आप उसे देख लेना एक बार फिर भी अपने आप से करके, और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस डेली, अगर आप मैथ्स का ऐसा है कि प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाते रहिए अपने चैप्टर की, चैप्टर वाइज जो भी है, ठीक है, और जितने आई थिंक इसमें थोड़ा सा ही पोर्शन रहता है, अभी ज्यादा पोर्शन नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप पढ़ते रहिए और हमारी वीडियोज को लाइक शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।